बस चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग कर रहे चालक और लहराते हुए दोपहिया चला रहे चालकों पर यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 154 के तहत कार्रवाई की है। सोशल मीडिया के जरिए यातायात पुलिस को वाहन चालकों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। यातायात पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोग अब जागरूक होकर यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे चालकों की पुलिस से शिकायत कर रहे हैं। ऐसे ही एक शिकायत के जरिए पुलिस ने शिवनाथ नदी ब्रिज पर बस चलाते हुए मोबाइल का उपयोग कर रहे बस चालक पर कार्रवाई की है। साथ ही वाहन चालक के लाइसेंस का निलंबन करने परिवहन विभाग को भेजा गया है। वहीं दूसरे मामले में मरोदा ओवरब्रिज के पूर्व बुलेट चालक द्वारा वाहन को लहराते हुए चलाए जाने और दूसरों की जान जोखिम में डालने का वीडियो यातायात पुलिस को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद चालक के साथ वाहन को नेहरू नगर स्थित यातायात कार्यालय लाया गया एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर अन्य वाहन चालकों के लिए अपील कराई गई कि वह भी इस प्रकार का कार्य ना करें। अभियान की जानकारी DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। यातायात पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे वाहन चालक जो खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं, खुद भी खतरे में डालते हैं, अपने आप को और दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हमको शिकायत मिल रही थी और उसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे थे। कल शाम को एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें बस चालक खतरनाक ढंग से मोबाइल से बात करते हुए वाहन चला रहा था और जिस पर हम लोग ने कार्रवाई की है। इसके अलावा बड़ौदा सेक्टर में भी ब्रिज के पास एक वाहन चालक जो दोपहिया बुलेट पर बैठा हुआ था और जिग जैग चला रहा था खतरनाक ढंग से, तो ऐसे दोनों वाहन चालकों को हम लोग कार्रवाई भी किया है और उनको समझाइश भी दिया है कि ऐसे खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं और खुद को दूसरे खतरे में न डालें। बहरहाल यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे चालकों पर कार्रवाई करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9479192029 को जारी किया है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।